सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ स्पेशल 10 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार आते भी हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख के जाइएगा, एग्जाम में जाने से पहले इसको देखना जरूरी है। आज का जो सबसे पहला सवाल है, हाँ प्रश्न थोड़ा आगे पीछे हो गया है PDF बनाते टाइम, हमसे ही आज मैं खुद बना रहा था तो गलती हो गई, लेकिन क्वेश्चन 10 है। सवाल है कि एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य के लेने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्य की औसत आयु उतनी ही है जितनी कि 3 वर्ष पहले थी, बदले गए सदस्य और नए सदस्य की उम्र के बीच का कितना अंतर है। एक बात बताइए, सवाल क्या कहता है, एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य के लेने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्य की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। अगर मान लीजिए हम 5 दोस्त हैं, इकट्ठे बैठते हैं, कभी बातचीत करते हैं, तो 5ों दोस्त का अभी जो औसत आयु होगा, और अगर 3 साल पीछे जाएंगे ना तो औसत आयु कम रहा होगा, और अभी से अगर 3 साल बाद जाएंगे, 4 साल बाद जाएंगे, 6 साल बाद जाएंगे तो औसत आयु बढ़ जाएगा, यानी हम सब की उम्र बढ़ेगा तो औसत आयु बढ़ेगा, और पीछे जाएंगे तो हम सब की उम्र घटा हुआ रहा होगा तो घटेगा। अच्छा मान लेते हैं कि अभी हम सब की औसत आयु 30 वर्ष, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एक 30 वर्ष वाला आदमी को हटा के या 32 वर्ष वाला को हम अपने समूह में से हटा के कोई 18 वर्ष वाला बच्चा को शामिल कर दिया जाए, लड़का को शामिल कर दिया जाए 18 वर्ष वाला का, तो पूरे समूह का औसत आयु घट जाएगा कि नहीं। जैसे एक ज्यादा उम्र वाला को हटा के और उसके जगह कम उम्र वाला को ले आएंगे, हम 5 के 5 ही रहेंगे, तब बताइए उम्र घट जाएगा, औसत आयु घट जाएगा कि नहीं, समूह का घट जाएगा। तो यही सवाल कहता है कि पुराने सदस्य के जगह एक नया सदस्य के आ जाने से औसत आयु उतना ही हो जाता है कि जितना कि 3 वर्ष पहले था, मानी ये पूरे समूह का औसत आयु 3 वर्ष पहले जितना था ना उतना ही रह गया, यानी कम उम्र वाला एक लड़का आ गया है। तो सवाल ये कहता है कि बताइए कि पुराने सदस्य जो पहले 5 पुराने थे वो, अब नए सदस्य जो अब 4 को पुरन का 1 नए का आ गया, वो उसके कुल आयु में अंतर कितने का हो जाएगा। ऐसा सवाल जब भी होता है कि किसी के आ जाने से औसत आयु उतना ही हो गया जितना कि 3 वर्ष पहले था, 2 वर्ष पहले था, 6 वर्ष पहले था, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा इसका प्रोसेस से बनाते बनाते। सवाल के टाइप को समझ गए हैं, तो जितना वर्ष पहले कहा जाए और जितना व्यक्ति कहा जाए उसको गुना कर दीजिए। 3 वर्ष पहले कहा गया है और 5 सदस्य है, तो 5 × 3 कर दीजिएगा, 5 × 3 = 15 वर्ष आपके इस सवाल का जवाब हो गया, 15 वर्ष ऑप्शन ए हो गया। तो बस यही काम करना है, सवाल के टाइप को समझ लीजिए, नहीं तो बनाइएगा तो बहुत लंबा समय लगेगा इसमें। आइए अब हम आते हैं, चूंकि 1 नंबर के बाद 2 नंबर इधर है और 3 नंबर इधर है, चलिए 2 नंबर ही कर लेते हैं पहले। सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। सवाल कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। एक बात बताइए, 5 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या होता है दोस्तों 5 × 9। ये बात हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या का है उतना अंक उतना 9 ले लेना है, नहीं अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 × 9 यानी 99 होता है। 5 अंकों की यह सबसे बड़ी संख्या है, सवाल यह कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसा बताइए जो कटेगा 7 से 9 से 11 से 13 से 15 से। 5 अंकों की यह सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन क्या यह 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब कौन होगा, इसके आगे होगा क्या? नहीं, इसके बाद जो होगा इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर 1 भी जोड़ेंगे तो यह 6 अंक में बदल जाएगा, यह संख्या 6 अंक का हो जाएगा, यानी कि जो भी संख्या होगा इससे पहले ही होगा। नहीं, तो बनाने का सिंपल तरीका यह है दोस्तों कि 7, 9, 11, 13 और 15 से कटने के लिए कहा है, तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए, इन सब का एलसीएम पहले लीजिए, तो इन सब का एलसीएम कितना होगा जानते हैं? 45 × 45 होगा इनका एलसीएम, बना लीजिएगा। तो एलसीएम होगा 45 × 45। तो सवाल यह कहता है कि 5 अंकों की ऐसी सबसे, अच्छा 45 × 45 तो हो ही गया,
45045 1 2 3 4 5 अंक में है, तो इसका डबल कर देते हैं। अगर 45045 है, इसका डबल कर देते हैं तो वो संख्या आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 5 2 10 4 2 8 1 9 ये आ जा रहा है 9 00 90। ये हो गया क्या, 5 अंक है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 अंक की संख्या है। देखिए ये कटेगा, इन सब से कटेगा, क्यों, क्योंकि इन सब का एलसीएम इतना, और एलसीएम का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना सब कटेगा, लेकिन अगर तिगुना करेंगे तो हमें ज्यादा अंक में हो जाएगा ना, 5 अंक में ही चाहिए। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुआ जो इन सब से कटने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल हमारा, बहुत मजेदार प्रश्न है ये भी, इस सवाल को सीखना बहुत जरूरी है। क्या कहता है देखिए जरा सा, क्वेश्चन को मैं नीचे कर लेता हूँ, हाँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, नहीं तो कहिएगा क्या पढ़ा रहा है मास्टर बाद, दिख रहा है ये ना। सवाल है कि 8 व्यक्ति के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति के जगह एक नए व्यक्ति ले लेता है, नए व्यक्ति का वजन कितना। इस सवाल कैसा है, पिछला सवाल वो अलग था, एक नंबर सवाल जो पढ़े थे कि एक व्यक्ति के जगह एक व्यक्ति आ गया तो कहता है कि औसत आयु जो है से उतना हो गया जितना 3 वर्ष पहले था, 5 वर्ष पहले था, 2 वर्ष पहले था, 8 वर्ष पहले था, नहीं तो पुराने और नए सदस्य की आयु में अंतर, वो अलग सवाल था। ये सवाल देखिए क्या कहता है कि 8 व्यक्ति के समूह का औसत वजन 2.5 किलो से बढ़ जाता है। 8 व्यक्ति के समूह का औसत वजन 2.5 किलो से बढ़ गया, औसत वजन 2.5 किलो बढ़ा है तो 8 आदमी पर कितना का वृद्धि हो गया, कितना का वृद्धि हो गया बताइए, 8 आदमी पर वृद्धि हो गया कितना का, ये 20 का है ना, औसत वजन 20 kg क्या हो गया, ये वृद्धि हो गया दोस्तों। अब कहता है सवाल क्या, जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति के जगह एक नया व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, नया व्यक्ति को ले आता है, कितना वजन वाला को ले आता है, 54 केजी वाला के जगह नया व्यक्ति लाता है, 54 केजी वाला चला गया तब ना, 54 केजी वाला चल गया तब ना नया व्यक्ति आया। यानी सवाल का टाइप समझ लो, जब किसी समूह में किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से, किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, जैसे ऊपर बोला है 2.5 किलो से बढ़ा था, 2.5 किलो से घट भी सकता था, तो यहां माइनस के 20 kg लिखते, 2.5 किलो से 8 आदमी घटता तो 2.5 × 8 करते, -20 kg लिखते। ऐसा तब होता है जब एक व्यक्ति 54 किलो वाला के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, तो 54 kg वाला गया होगा तब ना उसके स्थान पर कोई आएगा, मनमोहन सिंह कुर्सी से गए तब ना नरेंद्र मोदी आए। सुनिए तो अब देखिए, एगो प्लस में एक माइनस में, दो रंग रहे तो जोड़ देना, दो रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के, याद रखना दो रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के। सुनिए यहां लिख देना है नया व्यक्ति, नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु, कभी कभी दो दो व्यक्ति आता है, दो व्यक्ति जाता है उसके स्थान पर, दो गो व्यक्ति आता है तो दो गो व्यक्ति आता है, तो यहां लिखते दोनों व्यक्ति के कुल आयु, ठीक ना। तो 54 20 कितना होता है, दूरंग है ना, प्लस माइनस 54 20 74, यानी नया व्यक्ति 74 वर्ष का आया है। हुआ क्या है ना कि 54 वर्ष वाला चल गया है या 74 वर्ष वाला आ गया है, ज़्यादा उम्र वाला, सॉरी 74 वर्ष नहीं, केजी बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, केजी है ना, केजी। हुआ क्या है कि 54 kg वाला चल गया है उसके जगह 74 kg वाला आ गया है, इसीलिए सबका औसत वजन 2.5 किलो से बढ़ गया था, ठीक है भैया। चलिए तीसरा सवाल भी हो गया, तो अब हम तो बढ़ेंगे चौथा पर, चौथा आएगा बाद में, देखते हैं तब तक कोई दूसरा सवाल, ठीक है, सारे सवाल आएंगे, आगे पीछे हो गया है मिस्टेक। सवाल है कि 3.60 रुपया प्रति किलोग्राम की कीमत वाली कितने किलोग्राम गेहूं को 4.20 रुपया प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4.40 रुपया प्रति किलोग्राम बेचकर 10% का लाभ हो सके। ये सवाल जरूर आएगा, सुन लीजिए, ऐसा सवाल जरूर आएगा, एक मिश्रण से ऐसा ही सवाल पूछेगा आपसे। सवाल ये कहता है कि 3.60 रुपया प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4.20 रुपया प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4.40 रुपया प्रति किलोग्राम बेचकर 10% का लाभ हो। एक बात बताइए,
ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य, जबकि ये दोनों है क्रय मूल्य, ऐसे ऐसे रेट के खरीदा हुआ गेहूं है। जब किसी समूह को दो गुण के आधार पर दो भाग में बांट दे, जब किसी समूह को दो गुण के आधार पर दो भाग में बांट दे तो एलिगेशन रूल लगाएंगे। एलिगेशन रूल लगाते हैं और एलिगेशन रूल आपको पता होगा, पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। लेकिन यहाँ जो तीन रुपया साठ पैसा हम लिख रहे हैं ये तो क्रय मूल्य है पहले प्रकार के गेहूं का। दूसरे प्रकार के गेहूं जो है चार रुपया बीस पैसा प्रति के जी वाला है, लेकिन ये है आठ के जी। ये कितना है? आठ के जी। देखिए कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को चार रुपया चालीस पैसा प्रति किलोग्राम बेचने से 10% का लाभ हो। ये बेचने से क्या है? चार रुपया चालीस पैसा बेचने से तो लाभ होना चाहिए कितना का? 10% का। दोस्तों 10% लाभ का है। कुछ बच्चा तो यही चार रुपया चालीस पैसा रख के बना देगा और सवाल का आंसर भी आ जाएगा 2 किलोग्राम, लेकिन सवाल गलत हो जाएगा। एलिगेशन का नियम कहता है कि जो चीज़ आपने पहली बिंदु दूसरी बिंदु पर लिखा है कॉमन बिंदु पर वही बात लिखना है। कॉमन बिंदु पर क्यों वही बात लिखना है? यहाँ अगर क्रय मूल्य लिखा है, यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य। अगर यहाँ दूध, यहाँ दूध तो यहाँ भी दूध, यहाँ पानी तो यहाँ पानी, यहाँ पानी, सब जगह सेम चीज। अब देखिए 10% का मान 1/10 होता है, लाभ है तो जोड़ के 11/10 हम निकाल लेंगे। अब क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य कैसे? तो 10 ऊपर कर देंगे 11 नीचे, ये पॉइंट हटा दिए तो 2 जीरो आ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट ही गया, 11 चौके 44 हो गया, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य हो गया 4 रुपया। मिश्रण का क्रय मूल्य कितना? 4 रुपया। मिश्रण का क्रय मूल्य 4, सीधा 4, चलिए 4 है तो इसको डबल 0 भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, आपको क्या करना है? गेहूं है ना, तो गेहूं की संख्या में नहीं बिकती है, यहाँ तो संख्या या मात्रा रहेगा, ठीक ना? यहाँ जो नीचे रेशियो आएगा संख्या या मात्रा का, तो इसमें मात्रा आएगा क्योंकि गेहूं है तो मात्रा लिखेंगे। देखो इसमें इसमें कितना का अंतर? 40 पैसा का, पॉइंट 40 कहिएगा, 3 रुपया 60 पैसा और 4 रुपया, नहीं हाँ 40 पैसा हो गया तो 4 रुपया हो गया, और इसमें इसमें कितने का अंतर? 4 रुपया और 4 रुपया 20 पैसा में, 20 पैसा का अंतर, पॉइंट 20, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 20 से कम 20, 20 दूना 40। अब समझिए पहले प्रकार के मात्रा 1 केजी है तो दूसरे प्रकार के मात्रा 2 केजी है, सामने सामने समझना है। जबकि दूसरे प्रकार की मात्रा है 8 केजी, तो हम यहाँ कहेंगे कि दूसरे प्रकार की मात्रा अनुपात में 2 है लेकिन रियल में 8 केजी है। अनुपात 1 का मान कितना? तो 2 चौके 8, 4 केजी। अब अनुपात 1 का मान 4 केजी है तो यहाँ भी 1 का मान कितना होगा? 4 केजी ही होगा। तो पहले प्रकार के गेहूं की मात्रा पूछा था 4 केजी कहेंगे। सवाल क्या कहता है? यहाँ बोला था कि 3 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को, कितने किलोग्राम गेहूं को? 4 केजी गेहूं को मिलाना होगा ये 4 रुपया 20 पैसा वाला 8 किलो गेहूं के साथ, तब जाके आप 4 रुपया 40 पैसे बेचेंगे, तब 10% लाभ होगा। और दोस्तों अगर सीधा आप 4 रुपया 40 पैसा लेके यहाँ सवाल को बना देते, 4 रुपया 40 पैसा लेके बना देते तो भी आपका क्या होता कि बन जाता, लेकिन आंसर आ जाता 2 केजी और गलत होता। देखो 4 रुपया 40 पैसा ये मिश्रण का जो रेट कभी भी होगा ना वो दोनों से एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। सोचिए अगर हम 50 रुपये वाला चावल और 30 रुपये वाला चावल को आपस में मिलाकर बेचेंगे तो क्या 50 से ज़्यादा रेट रख सकते हैं? नहीं, ग्राहक लेवे नहीं करेगा। 50 के साथ आप 30 वाला मिलाकर बेचिएगा 60 रुपये तो लेगा नहीं, 50 से रेट कुछ कम रखेंगे और 30 से कुछ ज़्यादा रखेंगे। तो ये जो था 4 रुपया 40 पैसा इससे भी बड़ा था और इससे भी बड़ा था, इसलिए ये गलत है। ये मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक, तीनों जगह क्रय मूल्य ही लिखना है या तीनों जगह विक्रय मूल्य ही लिखना है। देखिए हमारे पास अगला सवाल है, अच्छा सवाल है आपके पास। देखिए कहता है ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाइए, ट्रेन की लंबाई का पता लगाइए। सवाल क्या कहता है? एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, 90 को क्या बोल सकते हैं? 25 मीटर प्रति सेकेंड। और आपको ये एक बात हम बताए हुए हैं कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है या कोई भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु जैसे पुल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, नहीं तो उस समय क्या होता है कि उस समय अपनी और उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करता है।
तो यानी कि एक मिनट में जो पुल को पार किया है ना प्लेटफॉर्म को, तो एक मिनट में प्लेटफॉर्म में पार नहीं हुआ है, उसमें प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेन की अपनी लंबाई भी शामिल होगी, मतलब पार करते समय यहाँ से यहाँ तक ट्रेन गई होगी, ठीक है ना। तो वहाँ से वहाँ की दूरी निकल जाएगा, तो चाल गुना समय एक मिनट को हम 60 सेकेंड बोल सकते हैं, सेकेंड से सेकेंड कट गया, यानी कि 25 गुना 60 मीटर, इतना मीटर दोनों के लंबाई का योग हुआ। सवाल कहता है एको के लंबाई बताइए, और दोनों के लंबाई बराबरे बोल दिया है ना, दोनों के लंबाई बराबरे है तो दो से भाग दे देते हैं, 30 बार में कट गया, 25 तीय 75, 750 मीटर हो गया, दोनों की लंबाई 750, 750, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आ रहा है आपको समझ में। अगला सवाल देखिए, आइए भैया अगला सवाल देखिए, भैया अगला सवाल कहता है एक थैले में 305 रुपए की राशि 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाइए। सुनिएगा, सवाल है कि एक थैले में 350 रुपए की राशि है, यानी टोटल वैल्यू जो है 350 रुपए है, मूल्य हो गया, और इसमें जो है 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं, इनका सिक्का जो है ना, सिक्का की संख्या कितना कितना रेशियो में जानते हैं दोस्तों, सिक्का की संख्या है 4:5:7 में, 4 गो सिक्का 25 पैसा वाला, 5 गो सिक्का 10 पैसा वाला और 7 गो सिक्का 50 पैसा वाला। अब देखिए इस सब में एक्स सटा देने से कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं अनुपात में है, एक्स 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 कटिए जाएगा। अब देखो आप एक बात बताओ, ये कुल मूल्य 305 दिया तो इस सब का कुल मूल्य निकालिए, ये तो सिक्का के संख्या है। अब बताइए कि अगर 25 पैसा वाला 4 गो सिक्का होता तो 25 पैसा का मान होता है 1/4 रुपया, 25 पैसा के एक सिक्का का दाम होता है कितना, 1/4 रुपया। अगर 4 सिक्का है तो 4 से गुना कर दीजिएगा से इसका टोटल मूल्य हो गया 1 रुपया, नहीं मतलब एक सिक्का के मान में सिक्का की संख्या से गुना कर देंगे तो कितना मूल्य है ये पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो वैसे ही ये सवाल बनेगा, बनेगा कैसे, 25 पैसा के एक, देखो 25 पैसा के संख्या कितना है 4x, एक सिक्का का दाम होता है 1/4, तो इसका मूल्य हो गया, ये देखो 5x है, 10 पैसा के सिक्का की संख्या, इतना संख्या है, 10 पैसा के एक सिक्का का दाम होता है 1/10 रुपया, इससे गुना कर दिए इसका मूल्य हो गया, इस 7x है 50 पैसा के संख्या, 50 पैसा के सिक्का के संख्या, और 50 पैसा का मूल्य होता है 1/2 रुपया, इससे गुना कर दिए इसका मूल्य हो गया, और टोटल मूल्य कितना, टोटल मूल्य दिया हुआ है 305 रुपया। अब आइए सवाल बन जाएगा, ये काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, 5 दूना 10 कट दिया, और ये है 7x/2, 7x/2, 7/2 = 3 आधा 4, 4 = 5, यानी टोटल हुआ जोड़ के 5x = 305 रुपया, 5 से काटे तो 61 बार में 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 5, एक्स का मान हुआ 61। आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है, निकाल लीजिए, सिक्का की संख्या आपका 4x है, 5x है और कितना है 7x है, निकाल लीजिए, एक्स के जगह आप क्या रखेंगे 61 रखेंगे, एक्स के जगह 61 रखेंगे, एक्स के जगह 61 रखेंगे, एक्स के जगह 61 रखेंगे, तो ये हो गया 4 × 6 = 24, 244, इसका कितना निकलेगा 5 × 6 = 30, 305, ये कितना निकलेगा 7 × 6 = 42, 427, यानी 244 305 427, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अच्छा बहुत बच्चे क्या करेंगे फिर इसको काटेंगे अनुपात मिला के, भाई सिक्का के मतलब ये अनुपात नहीं पूछा, अनुपात दिया हुआ था, फिर से तुम्हारा रेशियो आ जाएगा वापस, यही आपसे सिक्का की संख्या पूछा है, रेशियो नहीं पूछा है कि रेशियो में आप निकालिएगा। आइए तो ध्यान देना है, ये सब गलती नहीं करना है। सवाल आइए अगला है, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत का लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, जब एक खरीदार नगद भुगतान करता है दुकानदार को कितना प्रतिशत मुनाफा होगा। आज जितने भी हम सवाल लेके आए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, एग्जाम में जब जाओगे ना तब फिर कहोगे क्या हाँ तो पढ़ाए थे लेकिन ध्यान नहीं दिए थे, तो ये चीजें अफसोस नहीं होनी चाहिए, आज ही मेहनत करके जाइए, पढ़ के जाइए। सुनिए,
एक बात याद रखिए, अलग अलग टाइप के सवाल हैं तो अलग अलग तरीके हम आपको बता रहे हैं। सुनिए, इस सवाल में क्या है ना कि जब किसी वस्तु पर लगातार दो बार घटना घटेगा तो ए बी फार्मूला लगाना है, और ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा सौ, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक चीज़ और होता है कि वृद्धि रहता है तो प्लस देते हैं, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस, ये वेरी करते रहेगा, चेंज करते रहेगा। सुनिए, जब एक ही वस्तु पर लगातार दो बार घटना घटेगा तब ए बी फार्मूला। क्या हुआ है कि एक दुकानदार कुर्सी की कीमत का लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित कर दिया, मतलब जितना उसका लागत था ना उसे 20% ज़्यादा छापा कि हम कमा सके, लेकिन हो सकता है ग्राहक कम ले रहे थे उसको, तो उसने 10% की छूट की घोषणा कर दी, तो ये छूट जो हो गया ये माइनस हो गया नहीं, तो कहता है कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले उसने क्या किया है, 20% बढ़ा दिया, फिर 10% छूट दे दिया, तो दूसरी जगह प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस में 10 लिखे। अब क्या होगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला गुना करके लास्ट में लिखा जाता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 20 × 10 अब बट्टा में 100, मतलब एक ही वस्तु पर दो बार घटना घटा, एक बार उसका दाम बढ़ाया एक बार घटाया। अब दो जीरो से दो जीरो को काट दीजिए, उसके बाद 20 में से 10 गया, ये 20 में से 10 गया तो कितना हुआ 10 माइनस, ये 2 × 2 10 में से 2 गया 8, 8 आया प्लस में ना, तो 8% का लाभ होगा उसको, क्या होगा 8% का लाभ, ठीक है। चलिए अगला सवाल आ जाइए, रोजाना 3 घंटा अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है, अगर वह रोजाना 4 घंटा अध्ययन करे तो वही सबक कितने दिन में सीख सकता है। मान लीजिए कि 3 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो 20 दिन में कर लेता है, तो 3 × 20 हो जाएगा इसका टोटल काम, और अगर 4 घंटा डेली करेगा तो कितना देर में कर लेगा, तो 4 घंटा से गुना भाग दे दीजिए, 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15 दिन में हो जाएगा, नहीं 3 घंटा डेली पढ़ता है तो 20 दिन लगता है, अब 4 घंटा डेली पढ़ेगा तो 15 दिन लगेगा, ये आप लोग भी तरीका लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल। एवलिन ने 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदे, समान संख्या में खरीदा है, जिनकी औसत प्रति नग 30 रुपया 35 रुपया 65 रुपया है प्रति नग, सभी कंगन के लिए कुल 1690 खर्च किया, उन्होंने प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे, उन्होंने प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे, तो प्रत्येक प्रकार के मान लेते हैं कि x को खरीदा है, सब में सामान्य खरीदा है। अच्छा 30 रुपये खरीदा है तो 30x खर्चा हुआ, फिर अगला 35 रुपये नग खरीदा है तो 35x खर्चा हुआ, फिर आगे 65 रुपये नग खरीदा है तो 65x खर्चा हुआ, टोटल खर्चा उसको तो हुआ है सो पता है हमको 1690, कोई दिक्कत नहीं है, 30 और इन सब को जोड़ देते हैं तो 65 और 35 130 x 169 0 0 से 0 13 × 13 = 69 से एक्स का मान कितना आया 13 आया। आपसे पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे, तो 13 को खरीदा, आपका आंसर कौन है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए सवाल है, पूजा एक काम को करने में चारू से 3 गुना ज्यादा और बाणों से 2 गुना ज्यादा वक्त लेती है, यदि तीनों एक साथ काम करे तो 2 घंटा में वो काम को खत्म कर सकती है, बाणों को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा। देखिए दोस्तों, कुल काम की मात्रा क्षमता गुने समय कह सकते हैं, कुल काम क्वांटिटी ऑफ वर्क, कुल काम क्षमता गुना समय भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा क्षमता है प्रति घंटा 3 काम करने का, ठीक, और हम 7 घंटा काम किए हों तो 27 काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे बिल्कुल समझ रहे होंगे कि अगर प्रति घंटा हम 3 काम करते हैं तो 7 घंटा में 27 काम करेंगे, यानी हम अपनी क्षमता का गुना कर दिए समय से, कुल काम निकल गया। पूजा है यहाँ पर, पूजा, उसके बाद कौन है भाई चारू, उसके बाद कौन है भाई पूजा एक काम को करने में चारों से 3 गुना ज़्यादा समय लेती है, बाणों से 2 गुना, और तब है बाणों, ठीक है, पूजा चारू बाणों। अब सुनिए, पूजा क्या करती है, पूजा एक काम को करने में चारों से 3 गुना, इससे 3 गुना समय लेती है, जबकि बाणों से 2 गुना, एक काम करते हैं इससे 3 गुना इससे 2 गुना, इसको 3 बना देते हैं
इसको छः बना देते हैं तो बानू से दुगुना हो गया, और चारू से तीन गुना करने के लिए यहाँ दो लिख देते हैं। सिंपल है। पूजा जो है, पूजा जो है समय लेती है, यह टाइम लेती है, टाइम टाइम लेती है काम करने के लिए। कैसे जानते हैं कि चारों से तिगुना और बानू से दुगुना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि एक साथ मिलकर काम करें तो दो घंटे में वो काम को ख़त्म कर सकती है। सब मिलकर करती है तो दो घंटा में काम ख़त्म कर देती है। पहले अब इसका आप क्षमता निकाल लीजिए कि कौन कितना कितना काम करता है। क्षमता निकालने का तरीका है दोस्तों कि इसका रिवर्स करना होगा, या तो सबके बट्टा में एक लिख कर उलट दीजिए, आ नहीं तो रिवर्स करने का सिंपल तरीका है, रेशियो को उलटने का तरीका है कि जिसका निकालना है उसको ढको, द्वितीय छः गुना कर दो, इसका निकालना है इसको ढको और छतरी अट्ठारह गुना कर दिया, अब इसका निकालना है तो इसको ढको छः दुना बारह कर दिया। अब आइए ये छः एक कम छः, छतरी अठारह, छः दुना बारह। क्षमता देखिए, अगर पूजा एक काम करेगी तो चारू तीन काम करेगी और बानू दो काम करेगी। क्यों? क्योंकि देख लीजिए ऊपर समय देख लीजिए, बानू से दुगुना समय लगता था पूजा को, बानू से दुगुना समय लगता था, इसीलिए एक काम करेगी तब तक बानू दो काम कर देगी। बानू काम करने में तगतगर है। हाँ, अब कहता है कि वे तीनों मिलकर तीन घंटा में काम कर सकती हैं। अच्छा, तीन घंटा में, एक घंटा में कितना काम करेगी ये सब? तो दो काम, तीन काम, तीन दो पाँच, एक छः काम, छः काम करेगी एक घंटा में, तो दो घंटा में ख़त्म कर रही है तो छः दूना बारह काम कर देती होगी दो घंटा में। बानो को पूरा काम अकेले करने में कितना देर लगेगा? तब बानो प्रति घंटा दो ये काम करती है, दो से भाग दे दीजिए, दो से दो कटा, बानो का निकल गया कि छः घंटा लगाएगी बानो। बानो लगाएगी कितना देर? छः घंटा लगाएगी। बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब चलिए, अब हम एक चीज़ और बता दें आप सब के लिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। लेकिन ये क्या है कि ये केवल, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते कि मैं जब जाता हूँ तो ये कोर्स हमें नहीं मिलता है। तो सबसे पहले गांठ बांध लीजिए कि रात में 8 से 9 बजे ही धुरीना एप्लीकेशन पर, जहाँ हम पेड कोर्स पढ़ाते हैं, धुरीना एप्लीकेशन पर ये लागू होता है, और मात्र 99 रुपया में कोई भी कोर्स ले सकते हैं। कंप्लीट मैथ पढ़िए, चाहे आप ग्रुप डी के लिए पढ़िए, या UPSI या CHSL के लिए, या BPSC के लिए, या रीजनिंग पढ़िए, या MTS एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, ये सारे जितने क्रैश कोर्स हैं वो परीक्षा तक चलेंगे। लेकिन मैथ पढ़िएगा, पूरे एक साल आपको वैलिडिटी के साथ मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, और रीजनिंग भी पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है। लेकिन इसको परचेज करने के लिए सब लोग परचेज नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि ये आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 35 मिनट में ये सीट फुल हो जाते हैं। तो हम प्रतिदिन 100 छात्र के लिए ये मौका देते हैं। बाकी आपका प्राइस जो हमेशा रहता है, प्राइस यही रहता है। अभी आप जाके खरीदेंगे तो कोर्स आपको इस रेट में ही मिलेगा। लेकिन रात में 8 से 10 बजे मैंने ऐसा सेट कर दिया है ऐप में ऑफर, कि रात से 8 से 10 बजे रहता है, और मात्र 99 रुपया में जाकर कोर्स को ले सकते हैं। इसमें से कोई भी कोर्स लेना है तो कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, धुरीना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसका स्पेलिंग जान लीजिए, DHURINA, धुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल के आप रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर हो गए उसके बाद ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलने के बाद क्या होगा, अभी जाके आप जाइएगा तो इसी प्राइस, यही प्राइस दिखा रहा होगा। ये प्राइस जो चेंज होता है रात में 8 बजे चेंज होता है, और 10 बजे तक चेंज रहता है, लेकिन 10 बजे से पहले भी खत्म हो जाता है। अगर 20 मिनट में 100 स्टूडेंट फुल हो गया तो ये फिर बंद हो जाता है, फिर ये वापस से यही प्राइज आ जाता है, और 8 से 10 बजे तक ये प्राइज रहता है, ये 8 से 10, हालांकि 100 स्टूडेंट पूर्णे तक ही रहता है 8 से 10 बजे रात। तो आप जाकर धुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जाके वहाँ से कोर्स को कर सकते हैं। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।